कर्नाटक सरकार के लघु उद्योग मंत्री रमेश जरकीहोली और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी हेब्बालकर पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है। पिछले हफ्ते मारे गए छापे में आयकर विभाग ने इन दोनों से जुड़ी कंपनियों में 162 करोड़ रुपए के काले धन का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने 41 लाख रुपए की नकदी और 12 किलोग्राम सोना भी जब्त किया है। दोनों नेताओं पर चीनी से जुड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मार्फत बड़े पैमाने पर काले धन की हेराफेरी करने का आरोप है। आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार रमेश जरकीहोली सौभाग्य लक्ष्मी शुगर लिमिटेड नामक कंपनी के प्रमुख, प्रमोटर और निर्देशक हैं। उनके भाई की भी इसमें हिस्सेदारी है। आयकर छापे में सौभाग्य लक्ष्मी शुगर में 115 करोड़ रुपए का काला धन उजागर हुआ है। वहीं खुद पर लगे आरोपों पर जरकीहोली ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके परिसरों पर आयकर की छापेमारी के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारी बेलागावी में हमारे पास आए और हमने उनका सहयोग किया, भविष्य में भी हम आयकर अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी ने खुद पर लगे आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो कर्नाटक सरकार में मंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष काले धन के मामले में घिर गए हैं। हालांकि रमेश जरकीहोली ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।